The perimeter of the ends of a frustum are 48 cm and 36 cm. If the height of the frustum is 11 cm, then volume of the frustum. सबसे पहले तो volume क्या होता है frustum का, वो होता है 1/3 pi h into capital R square small r square plus r into r, जहाँ जो capital R small r क्या है, दोनों ends की radius है. इस तरह अगर ये r है तो ये यहाँ पे स्मॉल आर है और ये हाइट है, ठीक है. अब इन्होंने पेरीमीटर दिया है दोनों एंड्स का, मतलब 2 पाई कैपिटल आर इक्वल टू दिया इन्होंने 48. तो यहाँ से अपन लोग कैपिटल आर निकाल सकते हैं. कैपिटल आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7. यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा, देखिए 2 से और यहाँ 2 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपने पास 1/12 हो जाएगा. तो मेरे पास यहाँ R इक्वल टू 84/11 सेंटीमीटर. इसी तरह स्मॉल R अगर आपको निकालना हो तो 2 पाई स्मॉल R इज इक्वल टू 36 है, तो स्मॉल R इज इक्वल टू 36/2 इंटू 22 और 7 यहाँ आ गया. तो R इक्वल टू 4 से फिर डिवाइड करोगे 11 और ये 9, 9 × 7 = 63 डिवाइड बाई 11 सेंटीमीटर. क्या ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्टम इन्होंने बोला था. हाइट 11 दे दी है तो हम लोग अब वॉल्यूम निकाल देंगे. फॉर्मूले में रख दो सब कुछ, वी इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हाइट है 11 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो फर्स्ट में है यहाँ कितना हुआ था 84 डिवाइड बाई 11 है ना, तो इसको आप लिखोगे 84 डिवाइड बाई 11 स्क्वायर प्लस सेकंड में आर था अपने पास 63 डिवाइड बाई 11 स्क्वायर और यहाँ पे अपने पास 84/11 इंटू 63/11. अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं. देखिए सबसे पहले तो जो अपना 11 है ना वो कैंसिल आउट हो रहा है सारे में से. कैसे हो रहा है, देखो यहाँ से 11 स्क्वायर निकलेगा, यहाँ से भी 11 स्क्वायर, ये भी 11 स्क्वायर है और बाहर भी अपने पास 11 स्क्वायर है. एक तो 11 ये रहा और 22 में भी तो 11 है, 2 बच गया यहाँ. अब अपने पास क्या हो गया 2/21 इंटू 84 जो है, इसमें भी आपके पास 11 है, सॉरी 21 है, 63 में भी 21 है और इनमें भी 21 है. तो आप इस पूरे में से 21 कॉमन ले सकते हैं, 21 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 84 इंटू 4 प्लस 21 इंटू सॉरी यहाँ 3 × 63, इसको बचेगा अपने पास 3 × 63 और फिर यहाँ अपने पास बचेगा 84 × 3. ये चीज़ें बचेंगी. अब देखिए 21 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब आप मल्टीप्लाई करके निकालो, 2 × 84 × 4 16 वन कैरी किया तो 336 प्लस 63 × 3 9 और यहाँ 18 प्लस 84 × 3 ये 12 वन कैरी किया तो 332 यहाँ आ गया आपके पास. अब इनसे क्या अपने पास मैंने सही किया है क्या ये, नहीं सॉरी हाँ लास्ट वाला गड़बड़ कर दिया ना अपन ने, 24 + 125 होगा लास्ट में, 252 आएगा. फिर इनको ऐड किया 2 × 6 + 9 = 15 + 2 = 17 वन कैरी किया, 4 + 8 हो गया 12, 12 + 5 होता है 17 वन कैरी किया, फिर 4 + 2 = 6 + 1 = 7 तो 777 आ गया. इनको मल्टीप्लाई करो, 15 हो गया वन कैरी किया अपन ने तो 1554 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है. 1500 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है मुझे, क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन, ठीक है.